नमस्कार साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे देश के महानतम पुरुषों में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने हमको संविधान, संविधान के अलावा भी बहुत कुछ इस देश को दिया है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में आज देश में जिस तरह की बातें हो रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने मुंह से उस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में आए थे, थार में हम सब लोगों ने स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने थार में आकर और बाबा साहब के संदर्भ में जो बात करी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरह के भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो चेतावनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आ भी जाए, ये भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की कैसे कोई बात महसूस कर रहा है और किस तरह से बोल रहा है, ये मेरी समझ से परे। किसी नागरिक की अगर आंखें बंद हुई, किसी व्यक्ति की आंखें बंद हुई, तो उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज इस देश में नहीं दिख रहे होंगे। उनको महसूस नहीं कर रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। बाबा साहब को महसूस नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बाबा साहब को देख नहीं पा रहे, बाबा साहब को महसूस नहीं कर पा रहे। ये इंद्रिया किसी भी भारत के नागरिक के अगर शून्य हो जाए तो अलग बात है कि बाबा साहब को इस देश के अंदर महसूस नहीं कर पा रहे। या तो शून्य हो जाए या कोई मद में, नशे में चूर हो जाए, तो वो इंद्रिया इनको महसूस नहीं करेगी। ये सत्ता का मद के कारण बाबा साहब को महसूस नहीं करना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस पवित्र धार के अंदर किया, ये बहुत दुखदाई है। प्रधानमंत्री जी, जो आपने ये बात करी संविधान के संदर्भ में, क्या ये देश से नहीं जान रहा है? आपने क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या काम किए पिछले दिनों के अंदर, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निष्पक्ष संस्थाएं का संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को दिया, इस देश को दिया, उन संस्थाओं के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया, ये देश जान रहा है? उस संविधानिक जो संस्थाएं थी उनके साथ आपने क्या किया, ये देश जान रहा है? और आप यहां आकर और बोल रहे हो कुछ और कर कुछ और रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने जो बाबा साहब के दी हुई संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ जो किया, वो देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब ने जो हमें वो संवैधानिक संस्था दी, चुनाव आयोग, उसके चयन की प्रक्रिया के तहत 3 सदस्य, सरकार का नुमाइंदा, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नुमाइंदा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव आयोग हम लोगों को दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने उसका गला घोट दिया। बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक भावनाओं को आपने कुचल दिया और चुनाव आयोग के अंदर आपने किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रावधान बदल ली, उसका आधार क्या था? उसका आधार था आपके पास इन सदनों में बहुमत, और आपने वो प्रावधान बदलकर खुद सरकार के 2 प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव आयोग का चयन की जो प्रक्रिया बदली है, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाकी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर आप क्या कर रहे हो? न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरे के पूरे देश को अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। मीडिया के साथ आप क्या कर रहे हो, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। CBI, ED, इनकम टैक्स,
इन संस्थाओं के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? आरबीआई, आरबीआई का आपने क्या हश्र कर दिया? नोटबंदी को भी आपने इवेंट बना दिया, उस नोटबंदी से इस देश को कितना नुकसान हुआ ये पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। सिर्फ अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए, इस मकसद से आप बाकी सबको छोटा बताने का, आप या उनको नजरअंदाज करने का आप जो प्रयास कर रहा हो, इस देश के लिए ठीक नहीं। हमारे आराध्य देव, हमारे भगवान श्री राम के लिए भी आपके ये की ये सोच, ये की ये किस तरह का आप उसे राम मंदिर के संदर्भ में आपने क्या दिखाया, क्या किस प्रकार की बातें कि मोदी जी राम जी को लेकर आए, राम मंदिर लेकर आए। राम जी भी कोई ला सकता कि राम कण कण में राम है, ऊर्जा का सूत्र राम है। सिर्फ राजनीतिक मकसद से इस देश की जनता से सिर्फ राजनीतिक रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण में तो टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, ये पूरी दुनिया जानती है, थार का भी हर व्यक्ति जानता है, नागरिक जानता है। इस टेलीप्रॉम्प्टर को जब आप पढ़कर और भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी आप, किसी ने आपसे ये सवाल नहीं किया था कि आपके यहां से क्या रिश्ते हैं, आपने खुद नहीं इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा कि मेरे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इस इलाके से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, आपने ये बात की। और हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव के संदर्भ में आपने जो बात करी, बाबा रामदेव सिर्फ राजस्थान के और इस इलाके के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप कितने कट गई हो, अपने खुद के गृह राज्य गुजरात से भी कट गई हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लाखों करोड़ों बाबा रामदेव के भक्त गुजरात से हमारे स्थान में आते हैं, और आपने बाबा रामदेव की जन्मस्थली सिर्फ अपने आप के जुड़ाव के लिए आपने के उनका इस्तेमाल किया, और उनकी जन्मस्थली जो हमारे थार में है, कश्मीर में है, शिव तहसील के अंदर है, जिला बाड़मेर में है, और वो यहां से लेकर और आप कश्मीर में लेकर चले गए। जो मूल सवाल हम लोग कर रहे हैं, उस मूल सवाल का आप, जो हमारा थार के सवाल है, हमारे मुद्दे हैं, हमारे सवाल है, उसमें से आपने उल्लेख भी किया, उल्लेख भी गलत ढंग से किया। हमारे मूल सवाल क्या, यहां आकर और आपने ये बात करी रिफाइनरी के संदर्भ में, दुनिया अच्छी तरह से जानती है रिफाइनरी किसने लगाई, किस वक्त के अंदर रिफाइनरी का फैसला हुआ, 5 साल तक आपने इस रिफाइनरी को अटका कर रखा, क्या क्या बातें आपने करी रिफाइनरी की, तेल हमारा, पानी हमारे, जमीन हमारी और हिस्सेदारी कम क्यों। उस रिफाइनरी के संदर्भ में आप यहां श्रेय लेने के लिए कह रहे हो कि रिफाइनरी रोक दी की प्रधानमंत्री जी, ये थार का सवाल है, आप उत्तर नहीं दोगे, उसके बावजूद सवाल थार करता रहेगा। इस देश के अंदर पब्लिक सेक्टर की जितनी रिफाइनरी बनी है उसके अंदर सबसे तीव्र गति से सबसे जल्द अगर कोई रिफाइनरी का निर्माण हुआ है वो पचपदरा की रिफाइनरी है। तमाम आप रिफाइनरी का समय अवधि देख लो देश के अंदर, अगर आप तो कोई बता ही नहीं, इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर कोई लिखकर नहीं दे, तो मैं एक विधायक के नाते आपके पास ये पूरी की पूरी डिटेल बता दूंगा। जिस तेज रफ्तार से पचपदरा की रिफाइनरी बनी, बठिंडा की रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, पानीपत की थी, दक्षिण के अंदर बनी हुई रिफाइनरी थी, तमाम रिफाइनरी कितने वर्षों के अंदर बनी और पचपदरा की रिफाइनरी कितने वर्ष, ये भारत की जनता का अधिकार है। या आपका अहंकार कि मैं आकर इसका उद्घाटन करूंगा, ये अधिकार आपके पास नहीं प्रधानमंत्री जी, ये भारत की जनता का अधिकार है। वो किसको मत के माध्यम से सरकार बनाएंगे और कौन प्रधानमंत्री रहेगा, ये अधिकार भी आप इस
भारत की जनता से छीनना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी, एक सीधा सा सवाल था कि 2.5% CSR का पैसा जो हम लोगों का हक और अधिकार था इस रिफाइनरी के अंदर, 2.5% 80,000 के करीब लागत के अंदर, वो 2,000 करोड़ रुपए हम लोगों के थे और वो 2,000 करोड़ रुपए में से 1,800 करोड़ रुपए हम लोगों को। आप बड़े लच्छेदार शब्दों में आपने ये बात करी कि दुनिया कहती थी, कौन कहता था कि देश का अंतिम गांव है ये, हम लोगों के लिए सब कुछ है जहां हम लोग रह रहे हैं, इस ठार के लोगों के लिए ये दुनिया का स्वर्ग है और सबसे पहला इस दुनिया के अंदर कोई स्थान है तो हम लोगों के गांव है। आप खुद ही मनगढ़ंत ये बात कर रहे बना रहे हो। हम लोगों का हक अधिकार यहाँ के बाड़मेर जिले के हक अधिकार, बालोता जिले के हक अधिकार पर आपने पहले तो डाका डाला, 2.5% CSR, और वो जो सवाल हम लोगों ने किया, मैंने किया है उस दिन, पिछली दफे भी आप भाई तुम्हें जब किया आपने उस सवालों को सुना तक नहीं, नजरअंदाज कर, 1,800 करोड़ जो इस इलाके के विकास के लिए लगने थे वो आपने नहीं लगने दिए, उस सवाल को आपने नजरअंदाज कर दिया। और पहला और अंतिम गांव, प्रधानमंत्री जी पहले और अंतिम गांव प्राथमिकता आपकी क्या है वो हम महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पिछड़ा जिला योजना के माध्यम से हमें बाड़मेर जिले के अंदर कितना पैसा मिलता था जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं लोकसभा का सदस्य था, 40 करोड़ से ज्यादा प्रति वर्ष हमें मिलता था, वो बंद किया। अगर आपके लिए हम लोगों की प्राथमिकता होती तो पिछड़ा जिला योजना के माध्यम से जो BRGF योजना थी उसके माध्यम से जो पैसा मिलता था आप रोकते नहीं। BADP के माध्यम से इस बॉर्डर एरिया के हम लोगों के गांव को लगभग 50 करोड़ रुपए सालाना मिलता था, वो आप लोगों ने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से हम लोग स्थान के लोगों को, जो ढाणियों में रहने वाले लोग, हमारे को रोड का अधिकार था, वो अधिकार पिछले 10 वर्षों से उस अधिकारों का हनन किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी, ये 250 तक की आबादी की सड़कों का निर्माण जब आप लोगों ने केंद्र सरकार से इन सड़कों का निर्माण नहीं किया तो आखिर के अंदर मजबूरन राजस्थान सरकार ने किया, राजस्थान सरकार का पैसा लगाकर पिछले दिनों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी सबसे ज्यादा अगर उन सड़कों का निर्माण कहीं हुआ, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी तो बाड़मेर जिले के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी, और तो और जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंदर रिपेयरिंग का प्रावधान है, 10 साल बाद इन सड़कों का रिपेयरिंग होना चाहिए, जो पहले और अंतिम शब्द बड़े लच्छेदार शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, उन सड़कों के लिए आपने रिपेयरिंग का पैसा भेजा नहीं भेजा? नहीं भेजा। प्रधानमंत्री जी, आपने JJM की बात करी, प्रधानमंत्री जी JJM के माध्यम से हमारा हक और अधिकार के पर किसने डाका डाला है? सवाल ये, केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी पेयजल योजना रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके के अंदर होती है, प्रधानमंत्री जी उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देती है और 10% पैसा राज्य सरकारें देती है, दोनों के दोनों, रेगिस्तानी इलाके और पहाड़ी इलाके। आज भी इस देश के अंदर पहाड़ी राज्यों के अंदर आज भी 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और रेगिस्तानी इलाके इस बाड़मेर के अंदर राजस्थान के अंदर वो पैसा 90% की जगह आपने पहले तो वो पैसा कम किया, वो पैसा आपने 45% केंद्र और राज्य सरकार के और 10% हम लोगों से। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा लागत इस पेयजल योजना में कहीं आ रही है तो इस रेगिस्तान के अंदर रहने वाले ढाणियों के लिए आ रही है। वो 10% पैसा हम लोगों को जेब से लगाने का प्रावधान आपने किया, वो अलग बात है कि संघर्ष किया वो 10% की जगह 5% हुए, पर 5% भी हम लोगों के लिए कितनी लागत होती है, प्रति व्यक्ति प्रति परिवार से वो पैसा आप लोगों ने लेने का फैसला किया। आपको यहां आकर थार की में
आकर और माफी मांगनी चाहिए थे रेगिस्तानी लोगों के। राजस्थान सरकार ने जो 5% पैसा हम लोगों के जेब से लग रहा था, वो पैसा भी पिछले दिनों के अंदर राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की थी, वो पैसा 5% भी राजस्थान सरकार ने देने का फैसला किया, क्योंकि सबसे बड़ी बोझ हम लोगों के ऊपर थी। प्रधानमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां आकर आपने हमारे एक शहीद को याद किया, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप एक चीज और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस धार के हजारों लाखों नौजवान शहादत के लिए तैयार है, इस फौज के अंदर शहादत के लिए, सैनिक बनने के लिए, फौज के अफसर बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी, क्या भविष्य में हमारे धार का, बाड़मेर जिले का, बलोता जिले का, जैसलमेर जिले का कोई नौजवान सैनिक अपनी शहादत देगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा? प्रधानमंत्री जी, ये आपकी कलम से किया हुआ फैसला, भविष्य में अगर कोई हमारे यहाँ का सैनिक शहीद हुआ तो उसको शहादत के लिए शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर जैसी योजना लाकर जो हमारे यहाँ के नौजवानों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, कि भविष्य में कोई भिखारा मूड हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करता हुआ अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, अग्निवीर योजना इस तरह की लेकर आई होगी, किस अग्निवीर योजना के माध्यम से आपने हमारे यहाँ के नौजवानों का मनोबल, उनको आर्थिक तौर के ऊपर जो चोट और उनकी शहादत के संदर्भ में आपने ये फैसला किया, वो कल आपने वापस हमारे उससे तकलीफ को वापस गुरुत दी, उस दुख को आपने वापस से। प्रधानमंत्री जी, आपने मेडिकल कॉलेज की बात करी। प्रधानमंत्री जी बाड़मेर का, थार का बच्चा बच्चा जानता है मेडिकल कॉलेज कब सैंक्शन हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो आपको ये दिखाया जा रहा है, उन लोगों को से आप जरूर पूछना कि ये मेडिकल कॉलेज बाड़मेर की 2009 से 14 जब लोकसभा का सदस्य मैं था, उस वक्त स्वीकृत हुई और उसका श्रेय भी आपने लेने की कोशिश की। 5 साल तक जब आप ये डबल इंजन की बात कर रहे हो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 5 साल के अंदर वो आपने मेडिकल कॉलेज जो सैंक्शन थी उसका काम नहीं करवाया। जैसे ही पिछले दफे 5 सालों के अंदर सरकार बनी, वो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के। और प्रधानमंत्री जी, अब बच्चा बच्चा थार का शिक्षित हो चुका है, 60% पैसा इस मेडिकल कॉलेज के अंदर केंद्र सरकार का, 40% पैसा राजस्थान सरकार का है। इस तरह की आप जो बातें कर रहे हो मेडिकल कॉलेज का सिरे लेने के लिए, प्रधानमंत्री जी आपको आपने किसानों की बात करी, सिरे लेना नारों के अंदर आप किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, मैंने बड़ा सरल सा एक सवाल आपके सामने किया, पर मेरा हम लोगों का दुर्भाग्य है कि नहीं तो आप और नहीं आपकी ए और बी उम्मीदवार है वो, या कोई भी राजनीतिक आपके दल का कार्यकर्ता नहीं इस बात को का संज्ञान लिया। आपने आकर बात करी किसानों की आमदनी, किसान को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए। मेरा बड़ा सरल सा सवाल था कि 2009 के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई जो 17,078 रुपए थी, वो 2014 के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई बाड़मेर जिले की 1,21,953 औसतन आई। प्रधानमंत्री जी, उस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर ये लिखकर आप हम लोगों को बता देते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर आप किसान की आमदनी की बात कर रहे हो तो किसान की आमदनी, बाड़मेर की किसान की आमदनी इन 10 वर्षों से बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कितने सालों में घटी, कितने सालों में बढ़ी, ये सवाल आज भी खड़ा बाड़मेर के मजदूर के लिए, स्थान के मजदूर के लिए, वो सवाल आपने नहीं किया। आपने ये बात करी किसानों के साथ, प्रधानमंत्री जी आपने फसल बीमा योजना की बात करी, फसल बीमा योजना के माध्यम से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा प्रधानमंत्री जी, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि है वो सुन्न और मौन है। किसी बिल के वक्त जब किसी बिल के बारे में जो बात करने का वक्त था, उस वक्त वो
बिल पर तो बात नहीं कर रहे थे, यहां के जनप्रतिनिधि किसानों के लिए बात नहीं कर रहे थे, वो सब बिल में गुस्से में थे। राजस्थान के 24 लोकसभा के सदस्य बिल पर बात करने की जगह वो बिल के अंदर गुस्से में थे, इसमें से हमारे लोकसभा के सदस्य भी शामिल थे। बाड़मेर के फसल बीमा योजना के माध्यम से जो नियमों के प्रावधान में परिवर्तन किया, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उस स्थान के लोगों को हुआ, रेगिस्तान के राजस्थान के लोगों को हुआ। आपने इस प्रावधान के अंदर एक प्रावधान जोड़ा ग्रीन इंडेक्स का, जो 40% उसके वेटेज देकर आपने ग्रीन इंडेक्स जो सैटेलाइट के माध्यम से, उसके कारण जो हम लोगों को फसल बीमा में जो पैसा मिलना चाहिए था, वो हक हमारा था, वो हक पर डाका उन कंपनियों ने डाला। 2018 के अंदर जो हमको फसल बीमा के माध्यम से 650 करोड़ रुपए बाड़मेर जिले के थे, टाटा एआईजी की तरफ से प्रधानमंत्री जी, वो जब केंद्र सरकार आपके पास अपील हुई तो फैसला स्थान के किसानों के पक्ष में नहीं हुआ, उन पूंजीपति टाटा एआईजी के पक्ष में आपने किया, बाकी सब लोग शांत और मौन रहे। ये दास्ता है थार के किसानों की, जो तमाम बातें हम लोगों की बातें थी, तमाम जो वो आप लोगों ने नहीं करी, हम लोगों का दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री जी, आप ये बात कर रहे हो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लिंग की छाया दिख रही। प्रधानमंत्री जी, हमारे मजदूर, इस थार के मजदूर को अगर नरेगा के माध्यम से प्रतिदिन 400 रुपए की अगर मजदूरी मिल रही है, तो उसके अंदर एक मजदूर के हक आपको मुस्लिम लिंग का हक दिख रहा है? किसान के हक आपको मुस्लिम लिंग का? एक गृहिणी को, एक महिला को 1,00,000 रुपए परिवार को मिलना, आपको इस तरह के आप उनके हक और अधिकारों के लिए आप ये भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य। प्रधानमंत्री जी, ये देश, इस देश के सवाल, देश के मुद्दों की बात करना है, थार थार के सवालों का जवाब चाहता है, थार चाहता है अपने मुद्दों पर बात करने की, चर्चा करने की। दुर्भाग्य है ए और बी दोनों के दोनों आपके उम्मीदवार थार की बात नहीं कर रहे हैं, थार की मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए जो आप लगा रहे हो, लाखों करोड़ रुपए आपके लगा रहे हो, उसके माध्यम से जो चुनाव प्रचार कर रहे हो, उसमें हमारी बात कहाँ है? थार की सवाल कहाँ है? थार की बात कहाँ है? ये सबसे मूल मुद्दा है, मूल सवाल है। हमने आपका थार में स्वागत किया, पर बड़ी दुख और पीड़ा होती है इस थार की धरती को, पवित्र धरती को। आपने बाबा साहब के संदर्भ में इस तरह की बात, बाबा रामदेव को बारे में इस तरह की बात, किसान के इस तरह की बात, इससे बाड़मेर जिले की इस तरह की बात, शहीद के लिए इस तरह की बात करी है, इस तरह की बात इस धार के ऊपर अगर आप नहीं कर ले, तो जिस तय दिल से आपका स्वागत किया था, उस तय दिल से हम धन्यवाद भी कर सकते हैं, पर ये दुर्भाग्य कि आपने जो यहाँ बोला, हम धन्यवाद नहीं कर सकते। जो हमारी भावना थी उसको मीडिया के माध्यम से हमने जाहिर किया। धन्यवाद।